जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्षत्रिय जाति गुर्जर या गुज्जर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों गुर्जर समाज प्राचीन एवं प्रतिष्ठित समाज में से एक है। यह समुदाय गुज्जर गुजर गोजर गुर्जर गुर्जर और वीर गुर्जर नाम से भी जाना जाता है। गुर्जर मुख्यतः उत्तर भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बसे हैं। इस जाति का नाम अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में भी आता है। गुर्जरों के ऐतिहासिक प्रभाव के कारण उत्तर भारत और पाकिस्तान के बहुत से स्थानों के नाम गुर्जर जाति के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि भारत का गुजरात राज्य, पाकिस्तानी पंजाब का गुजरात ज़िला और गुजरांवाला ज़िला और रावलपिंडी ज़िले का गुजर खान शहर। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार गुर्जर शुद्ध संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला होता है, अर्थात शत्रु विनाशक होता है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर नरेश महिपाल को अपने महाकाव्य में दहाड़ता गुर्जर कहकर संबोधित किया है। प्राचीन काल में युद्ध कला में निपुण रहे गुर्जर मुख्य रूप से खेती और पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। गुर्जर अच्छे योद्धा माने जाते थे और इसीलिए भारतीय सेना में अभी भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। गुर्जर अभिलेखों के हिसाब से ये सूर्यवंशी या रघुवंशी हैं। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघु ग्रामीणी कहा है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर सूर्यदेव की कलाकृतियां भी इसके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती हैं। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से मिहिर बोलते हैं जिसका अर्थ सूर्य होता है। कुछ विद्वान इन्हें विदेशी भी कहते हैं क्योंकि गुर्जरों का नाम एक अभिलेख में हूणों के साथ मिलता है, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। प्राचीन इतिहास के जानकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के कॉकेसस क्षेत्र अभी के आर्मेनिया और जर्मेनिया से आए थे, लेकिन इसी इलाके से आए आर्यों से अलग थे। कुछ इतिहासकार कुषाणों को गुर्जर बताते हैं तथा कनिष्क के रबातक शिलालेख पर अंकित गुसूर को गुर्जर का ही एक रूप बताते हैं। उनका मानना है कि गुसूर या गुर्जर लोग विजेता के रूप में भारत में आए क्योंकि गुसूर का अर्थ उच्च कुलीन होता है। कुछ इतिहासकार इन्हें हूणों का वंशज भी मानते हैं। भारत में आने के बाद कई वर्षों तक ये योद्धा रहे और 6वीं सदी के बाद ये सत्ता पर भी काबिज होने लगे। 7वीं से 12वीं सदी में गुर्जर कई जगह सत्ता में थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता कन्नौज से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली थी। मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का बड़ा शासक माना जाता है और इनकी लड़ाई बिहार के पाल वंश और महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट शासकों से होती रहती थी। 12वीं सदी के बाद प्रतिहार वंश का पतन होना शुरू हुआ और ये कई हिस्सों में बंट गए। गुर्जर समुदाय से अलग हुई सोलंकी, प्रतिहार और तोमर जातियाँ प्रभावशाली हो गई और राजपूतों के साथ मिलने लगी। अन्य गुर्जर कबीलों में बदलने लगे और उन्होंने खेती और पशुपालन का काम अपनाया। ये गुर्जर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में फैले हुए हैं। इतिहासकार कहते हैं कि विभिन्न राज्यों के गुर्जरों की शक्ल सूरत में भी फर्क दिखता है। राजस्थान में इनका काफ़ी सम्मान है और इनकी तुलना जाटों या मीणा समुदाय से एक हद तक की जाती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में रहने वाले गुर्जरों की स्थिति थोड़ी अलग है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों ही गुर्जर देखे जा सकते हैं, जबकि राजस्थान में सारे गुर्जर हिंदू हैं। मध्य प्रदेश में चंबल के जंगलों में गुर्जर डाकुओं के गिरोह सामने आए हैं। समाज शास्त्रियों के अनुसार हिंदू वर्ण व्यवस्था में इन्हें क्षत्रिय वर्ग में रखा जा सकता है, लेकिन जाति के आधार पर ये राजपूतों से पिछड़े माने जाते हैं। पाकिस्तान में गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर के आसपास इनकी अच्छी खासी संख्या है।
राजस्थान में सारे गुर्जर हिंदू हैं। सामान्यतः गुर्जर हिंदू सिख मुस्लिम आदि सभी धर्मों में देखे जा सकते हैं। मुस्लिम तथा सिख गुर्जर हिंदू गुर्जरों से ही परिवर्तित हुए थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया गुर्जर क्षत्रियों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।